वॉट इज द क्रूड प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर स्टार्टर राशन? ब्रॉयलर स्टार्टर राशन की कच्चे प्रोटीन की आवश्यकता क्या है? बताओ, चूज किया है। और मैंने आपको पुराने अगर वीडियो देखोगे तो अभी शायद 4-5 दिन पहले ही मैंने ब्रॉयलर स्टार्टर, ब्रॉयलर फिनिशर के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो सभी का गलत है, क्लियर, किसी का भी सही नहीं है। 20 से 23% कितना है? 20 से 23%। अब ध्यान रखना भैया, ब्रॉयलर की अगर बात करें, ब्रॉयलर, क्लियर, ब्रॉयलर चाहे वो स्टार्टर हो चाहे फिनिशर हो, क्लियर, ब्रॉयलर स्टार्टर हो चाहे फिनिशर हो, कभी भी ब्रॉयलर को 20% से कम क्रूड प्रोटीन नहीं देते, इस चीज को ध्यान रखना। तो ब्रॉयलर की जब भी बात होती है तो प्रोटीन हमेशा 20 से 25% के बीच में ही आती है। और अगर स्टार्टर की बात करते हैं, आपका लेयर की बात करते हैं, तो लेयर में जो प्रोटीन होती है वो 16 से लगा के 20% के बीच में होती है, इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर, समझ में आया। ब्रॉयलर की जब भी बात करो आप, तो ब्रॉयलर में कभी भी प्रोटीन 20% से कम नहीं होगी, ये बिल्कुल घोट लेना आप। ब्रॉयलर स्टार्टर, ब्रॉयलर फिनिशर, आया ना समझ? वैसे ब्रॉयलर स्टार्टर में 20 से 22% तक प्रोटीन होती है, और स्टार्टर जो होता है उसमें 22, ब्रॉयलर फिनिशर जो होता है उसमें 22 से 24% तक प्रोटीन होती है उसके आहार में, तो इस चीज को ध्यान रखना। बस ये मैं पहले भी पुराने वीडियोस देखोगे तो उसमें मैं बता चुका हूँ आपको। और एनर्जी जो होनी चाहिए इन दोनों के, इनके आहार में जो एनर्जी होनी चाहिए, पर डे इनको जितना राशन देते हैं इसमें एनर्जी होनी चाहिए 2900 से 3000 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी होनी चाहिए पर डे इनको जितना भी खिलाया जाता है। और इनके ब्रॉयलर के आहार में जो होनी चाहिए 3100 से 3200 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे, पर डे जितना भी खिलाते हैं ब्रॉयलर को उसके राशन में 3100 से 3200 कैलोरी एनर्जी होना चाहिए, किलो कैलोरी। और लेयर के आहार में 2900 से 3000 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे राशन में होना चाहिए, इन चीजों को ध्यान रखो। आप भूल जाते हो, अब मत भूलना, चलो ठीक। वॉट इज द पर्पस ऑफ वेगल डांस इन हनी बी? मधुमक्खियों में वेगल नृत्य का उद्देश्य क्या है, बताओ आप लोग, क्या होना चाहिए? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भैया, बार बार ये अधिकतर एग्जामों में आता है, एग्रीकल्चर की जितनी भी एग्जाम है ये अधिकतर पूछा जाता है। रोहित मंडलोई जी ए बोल रहे हैं, अनिल डावर जी इन्होंने सी दिया है, चलो ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है कम्युनिकेशन, संचार। संचार को सूचना भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं? सूचना, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, मतलब सूचना देना, इसी को कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। जैसे हम आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? बोल के। लेकिन मधुमक्खियां बोल नहीं पाती, तो ये अपना जो कम्युनिकेशन करती है ये डांस के द्वारा करती है, आया ना समझ में? अब क्लियर हो गया। नाच द्वारा खाने की सूचना देती है, बिल्कुल करेक्ट, नाच के द्वारा ये भोजन की सूचना देती है। तो मैं इसके दोनों प्रकार के नृत्य बताता हूं, ये तो वेंगल डांस की बात हो रही है, एक और नृत्य होता है जिसको राउंड डांस कहा जाता है, तो दोनों डांस बिल्कुल समझ लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा आता है। अब कंफ्यूज नहीं होना भैया, मधुमक्खी में जब भी डांस की बात आए ना तो उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन या सूचना देना या फिर संचार व्यवस्था है उसकी एक। यहां पर अगर आप देखोगे तो मधुमक्खी में आपको दो प्रकार के डांस मिलेंगे, क्लियर। मधुमक्खी जो सूचना देने का कार्य करती है वो दो प्रकार के डांस से करती है। यहां पर आप अगर देखोगे तो एक में क्या होता है, इस डांस में मधुमक्खी ऐसी जाएगी और यहां तक जाएगी और वापस घूम के आ जाएगी, इसको कहा जाता है राउंड डांस या गोल नृत्य, क्या बोलते हैं? गोल नृत्य, बिल्कुल ध्यान रखना। और भोजन अगर 50 से 75 मीटर की दूरी पर अगर है, से
कम दूरी पर। देखो मधुमक्खी में दो ग्रुप होते हैं जो भोजन के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो भोजन के लिए एक होता है सियर्चर ग्रुप और एक होता है गेदेरर ग्रुप। तो सियर्चर ग्रुप जो होता है, जो श्रमिक होते हैं उनका जो सियर्चर ग्रुप होता है वो खोजी दल होता है। वो जाता है छत्ते के चारों ओर घूमता रहता है और भोजन की तलाश करके आता है। अगर भोजन उस छत्ते से 50 से 75 मीटर से कम दूरी पर अगर भोजन है, मतलब फूल, पराग कण, पानी, ये सब अगर 50 से 75 मीटर या इससे कम दूरी पर है, तो ऐसी स्थिति में जो सियर्चर दल होता है, खोजी दल, वो छत्ते के पास आकर इस प्रकार का राउंड डांस करता है, गोल डांस, क्लियर। तब इस चीज को ध्यान रखना। फिर खोजी दल, जो खोजी दल ने आके सूचना दे दी, अब जो गेदेरर ग्रुप होता है जो भोजन लाने का काम करेगा, उसको पता चल गया कि भैया इतनी दूरी पर भोजन है, वो फिर भोजन लेने जाएगा। दूसरा, अगर भोजन 75 मीटर से अधिक दूरी पर है, 75 मीटर से अगर ज्यादा दूरी पर अगर भोजन है, तो जो सियर्चर ग्रुप है वो छत्ते के पास आएगा और इस प्रकार का डांस करेगा। मधुमक्खी ऐसी जाएगी, फिर यहां और यहां से फिर घूमकर इधर, फिर इधर, फिर घूमकर इधर। ये इंग्लिश के 8 प्रकार का डांस करती है। इसी को कहा जाता है वेगल डांस, या इसको वेज टेल डांस भी कहा जाता है। कौन सा? वेज टेल डांस। इस चीज को ध्यान रखना। ये दोनों प्रकार के जो डांस होते हैं, ये सूचना देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, या कम्युनिकेशन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आया ना समझ में? और इसको खोजा था किसने, तो ये भी ध्यान रखना भैया, कार्ल वॉन फिश, क्लियर। कार्ल वॉन फिश ने सबसे पहले इस डांस को खोजा था। आया ना समझ में? कभी कभी वो इसको शॉर्टकट में CV फिश भी लिख देते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्लियर, आप समझ जाओगे फिश। तो इस चीज को ध्यान रखना। ये मधुमक्खी में सूचना देने के लिए डांस का उपयोग करती है, बिल्कुल। हाँ, शत्रुओं की सूचना नहीं देती भैया, ये केवल भोजन के लिए उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर काविंग द फर्स्ट मिल्क दैट ए काउ प्रोड्यूस इज नोन एज, ब्याने के बाद गाय का पहला दूध जो खालिस्थान के रूप में जाना जाता है। फटाफट बताओ भैया, क्या होना चाहिए इसका आंसर? जब भी आपको समय मिलता है, आप लिंक को भी अपने मित्रों में, दोस्तों में, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कर दें। और अगर आप वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर नए हो, तो क्या करें, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिल्कुल सबका यहाँ से वहाँ तक करेक्ट आंसर है, बिल्कुल, क्या बात है। राजपूत जी भी सी, डावर जी भी सी, कटारे जी सी, गुर्जर जी, इन्होंने भी सी वाला आंसर दिया है। हाँ, राजेश जी, इन्होंने कोलेस्ट्रम ही बोल दिया है, ठीक है भैया, बिंदास तरीके से हम भी लगाते हैं इसी आंसर को, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने बोल दिया है, बिल्कुल सी, कोलेस्ट्रम, क्लियर, खीस। फिर मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ब्याने के तुरंत बाद से 5 दिन तक, ये ध्यान रखना, बस ये खीस की डेफिनेशन है, बस इतना ध्यान रखो आप। ब्याने के जैसे ही गाय बछड़े को जन्म देती है, और बछड़े के जन्म की क्रिया को आप सबको पता है काविंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काविंग, और जो नवजात बछड़ा पैदा होता है उसको काफ कहा जाता है। तो काफ के जस्ट पैदा होने के तुरंत बाद से लगाकर 5 दिन तक गाय की अयन ग्रंथियों से जो श्वेत स्त्राव निकलता है उसको कोलेस्ट्रम, खीस, देखो इसके और भी नाम है, कोलेस्ट्रम बोलो, इसको खीस भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसको तेली भी बोलते हैं, क्लियर, और कहीं पर इसको पीयूषी भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, पीयूषी,
इसके बहुत सारे नाम है, लेकिन इंग्लिश आप अगर याद रखोगे तो कोलेस्ट्रम कोई नहीं गलत करेगा, बिल्कुल हाँ सही होगा, ध्यान रखना कोलेस्ट्रम, समझ में आया। लेकिन यही चीज अगर मैं बोल दूं कि 5 दिन बाद से जो मिलेगा, ब्याने के 5 दिन बाद से गाय की अयन ग्रंथियों से जो श्वेत स्त्राव मिलता है, तब हम उसको दूध या मिल्क कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना भैया, खीस के अंदर कोलेस्ट्रम के अंदर एक प्रोटीन, हाँ एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होती, दोनों होती है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि बछड़े की इम्यूनिटी बढ़ाती है, साथ ही साथ उसका जो कब्ज है उसको मुलायम करके बाहर निकालती है। ये चीजें ध्यान रखना। और इसमें आयरन भी बहुत ज्यादा होता है, लोहा, जिससे कि बछड़े में ब्लड का जो निर्माण है वो ज्यादा होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, खीस के अंदर विटामिन के की कमी होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा आता है, खीस में कौन से विटामिन की कमी होती है? तो खीस में विटामिन ए और विटामिन बी तो पर्याप्त है, लेकिन विटामिन के जो होता है ना उसकी कमी होती है। जबकि दूध में अगर बोले तो विटामिन सी की कमी होती है, दोनों ध्यान रखना, दूध में विटामिन सी की कमी होती है, बाकी विटामिन की अपेक्षा विटामिन सी कम होता है। लेकिन खीस की अगर बोले तो विटामिन के की कमी खीस के अंदर होती है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। हाँ इम्यूनोग्लोबिन, बिल्कुल गुर्जर जी, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती जो कि बछड़े में इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, बिल्कुल करेक्ट, क्या बात है, अभी परसों के दिन ही हमने डिस्कस किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन इंडिया मोनोक्रॉपिंग ऑफ इज वेरी कॉमन, भारत में खालिस्तान की मोनोक्रॉपिंग बहुत सामान्य है, बताओ कौन सी फसल की मोनोक्रॉपिंग एकदम कॉमन है इंडिया के अंदर। जो पहले तो यहां मोनोक्रॉपिंग का मीनिंग समझ में आना चाहिए, तब आप आंसर लगा दोगे। बिल्कुल जिन्होंने बी वाला आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र और भारत का जो पूर्वोत्तर भारत है, मतलब ईस्ट इंडिया जो है भारत का पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर अधिकतर आपको ये मिलता है। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है रबी में भी धान, फिर खरीफ में भी धान, और जायद में भी धान, मतलब एक साल में केवल तीनों ऋतुओं में धान 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 लगाना है आपको, आया ना समझ में, रबी में भी धान, खरीफ में भी धान, जायद में भी धान, तीनों सीजन में आपको क्या लगाना है, धान। तो इसको कहा जाता है मोनोक्रॉपिंग, आया ना समझ में। लेकिन एक वर्ड और होता है मोनोकल्चर, तो मोनोकल्चर का मतलब होता है अगर हम एक साल में केवल एक ही फसल लगाते हैं खेत में, चाहे वो रबी की लगाएं, चाहे खरीफ की लगाएं, चाहे जायद की लगाएं, तीनों में से अगर केवल एक फसल लगाएं खेत पे, तब हम उसको बोलते हैं मोनोकल्चर। मोनोकल्चर अलग है, मोनोक्रॉपिंग अलग है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो बिल्कुल धान जिनका भी आंसर है बी वाला आंसर करेक्ट है, और ये मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है तीनों सीजन में बस धान ही लगाना है आपको। हाँ जीरा फुल वैरायटी, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में, ये ध्यान रखना भैया, इन्होंने बताया है रितेश जी ने, छत्तीसगढ़ में जीआई टैग मिला है राइस की जो जीरा फुल वैरायटी है उसको, बिल्कुल आप ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना, जीरा फुल वैरायटी जीआई टैग छत्तीसगढ़, ध्यान रखना बिल्कुल। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली की संरचनाओं की तरह मौजूद होता है, बिल्कुल सब लोगों के आंसर, कुछ लोग केवल सी पे चले गए, ए पे चले गए, बाकी आप सभी का करेक्ट आंसर है, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है भैया। आप सभी लोगों को पता है, एक बार फिर मैं आपको बता दूंगा, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो डी वाला आंसर जो है वो करेक्ट है, क्लियर। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको खेत में दिखे, उंगली जैसे, उंगलियां देखिए, पानी बहाव के कारण अगर उंगली जैसी नालियां छोटी छोटी अगर बन जाए तो उसको कहा जाता है रिल इरोजन, क्या बोलते हैं, रिल इरोजन,
इस चीज को ध्यान रखना। ये अलग अलग जो है ये मृदा कटाव के अलग अलग प्रकार होते हैं, क्लियर। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, अलग अलग जो सॉइल इरोजन्स होते हैं उनको ध्यान रखना। ये जो आप इधर देख रहे हो ये है सॉइल इरोजन के स्टेप्स, क्लियर, और ये है टाइप्स। तो स्टेप्स क्या होते हैं, तो देखो जैसे ही बारिश होती है तो सबसे पहले क्या होता है, डिटेचमेंट होता है, मीन्स सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो छिटकते हैं, क्लियर, उड़ते हैं। जैसे ऊपर से बारिश की बूंद गिरी सॉइल पार्टिकल छिटक गए, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है डिटेचमेंट, इनको इंग्लिश में याद करना। फिर पानी के साथ ये सॉइल पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिटेचमेंट के बाद में दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, ये छिटक कर दूसरी जगह जाकर गिर जाते हैं, क्लियर। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर ट्रांसलोकेशन, अब ये पार्टिकल्स जो है ये पानी में घुलकर नीचे जाएंगे, इसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। और फिर नीचे जाकर समतल जगहों पर जहां पानी ठहर जाएगा वहां ये सॉइल पार्टिकल सस्पेंशन के द्वारा नीचे तली में बैठ जाएंगे, तब हम इसको कहेंगे डिपोजिशन। तो ये 1, 2, 3, 4 ये वाटर सॉइल इरोजन की होने वाली क्या है, ये अलग अलग क्या है, ये स्टेप्स होती है, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा अगर हम देखें तो टाइप्स, तो टाइप्स जो होते हैं इसमें सीक्वेंस याद रखना। फर्स्ट जो है वो है स्प्लैश इरोजन, मींस जैसे ही पानी की बूंद गिरेगी पार्टिकल छिटकेंगे, छिटकने के बाद में कुछ समय बाद दूसरी स्टेप आ जाएगी, दूसरा प्रकार। पानी लगातार बहता रहेगा तो खेत की पूरी एक जो शीट है ऊपर की वो पूरी बह जाएगी, जिसको हम शीट इरोजन कहेंगे। और शीट इरोजन अनविजिबल होता है, अदृश्य मृदा कटाव होता है, कौन सा, शीट इरोजन। उसके बाद अगर पानी नहीं रुका तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे ये छोटे छोटे खेत में, इसको कहा जाता है रील इरोजन, थर्ड। और उसके बाद अगर देखें तो ये छोटी छोटी रिल्स मिलकर बड़ी नालियां बन जाती है, इनको कहा जाता है गली इरोजन, ये फोर स्टेप। और अगर गली इरोजन को भी नहीं रोका गया ये सबसे खतरनाक अवस्था होती है, खतरनाक प्रकार होता है जलीय मृदा कटाव का, गली इरोजन। और इसका इफेक्ट आपको चंबल के जो बीहड़ हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो चंबल के जो बीहड़ बने हुए हैं वो गली इरोजन के कारण ही उनका फॉर्मेशन हुआ है, ध्यान रखना। और इसके बाद लास्ट होता है वो होता है स्ट्रीम बेक इरोजन, मतलब अगर गली इरोजन को नहीं रोका गया तो धीरे धीरे वो नदी का रूप ले लेती है, उसको कहा जाता है क्षुद्र सरिता मृदा कटाव। तो ये अलग अलग प्रकार होते हैं जलीय मृदा कटाव के, ये स्टेप्स हैं डिटेचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन और डिपोजिशन, और ये हैं उसके प्रकार। तो ये ध्यान रखना भैया, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, सॉइल मल्चिंग इज डन टू, मिट्टी की मल्चिंग इसके लिए की जाती है, किसके लिए करते हैं, आप लोगों के आंसर फटाफट आप आने दो, किसके लिए करते हैं जो मल्चिंग है। यहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी भैया, मल्चिंग से अधिकतर आजकल जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है सब में मल्चिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप ध्यान रखना। गुर्जर जी ने बोला है करेक्ट है भैया, ध्यान रखना, जो मल्चिंग की जाती है मिट्टी की, कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर, मृदा में नमी की सुरक्षा, नमी को संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो बिल्कुल बी है। इसके अलावा भी मल्चिंग के उपयोग हैं, अगर यहाँ ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में वो चेंज कर दे, अगर यहाँ बोल देता खरपतवार की वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए, क्लियर, मतलब यहाँ खरपतवार की ग्रोथ को रोकने के लिए, तो फिर वो भी सही होता। साथ ही साथ मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए, ये तो आंसर है। और अगर एक ऑप्शन और होता, कौन सा, मृदा कटाव को रोकने के लिए, और फिर डी में आता उपरोक्त सभी, तो फिर वो उपरोक्त सभी वाला आंसर आपका करेक्ट होता। आया ना समझ में, बिल्कुल। कुशवा जी ने भी बी वाला दिया है, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है, बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको देख लेना, मल्चिंग आप सभी लोगों ने देखा है भैया, आजकल आप खेतों में जाते हो तो रोड के किनारे से निकलते हो तो इस टाइप की एक सिल्वर कलर की एक लगभग
एक से सवा मीटर चौड़ी जो है एक पॉलीथीन जो है उससे बेड को ढक दिया जाता है और उसमें होल करके पौधे लगाते हैं। तो ये क्या है, एक मल्चिंग का प्रकार है, क्लियर। ये कृत्रिम मल्चिंग या प्लास्टिक मल्चिंग होती है। दूसरा जो होता है ये रेसिडुअल मल्चिंग है, मीन्स ग्रास मल्चिंग। यहाँ पर अगर आप देखो तो टमाटर का ये खेत है, इसमें बीच बीच में घास को बिछाया हुआ है, सूखी घास को, क्लियर। तो ये जो सूखी घास है ये भी क्या करेगी, वही करेगी। और तीसरा ये जो है इसको हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, तो स्टबल मल्च फार्मिंग, मतलब खेत में फसल के अवशेष, फसल को काटने के बाद हार्वेस्ट करने के बाद आप जो अनाज है वो घर ले आओ, बाकी जो फसल के अवशेष है वो वहीं पड़ने दो। उन फसल के अवशेष, हाँ, निमेटोड्स का भी कंट्रोल होता है, निमेटोड्स का भी कंट्रोल होता है। साथ ही साथ जो सकिंग पेस्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि लीफ के नीचे सकिंग पेस्ट बैठते हैं, तो ये सिल्वर कलर का होता है, तो सनलाइट जब गिरता है तो इससे रिफ्लेक्ट होकर पत्ती के नीचे वाले हिस्से में उसका रोशनी पड़ता है, उसका प्रकाश गिरता है, जिससे कि वहां सकिंग पेस्ट ज्यादा समय के लिए बैठ नहीं पाते, तो ये सकिंग पेस्ट को भी कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे एडवांटेज है, अगर देखने जाएं तो काफी एडवांटेज होते हैं, लेकिन जो मेजर है वो आप लोग ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आपका है गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, सुनहरी क्रांति का संबंध है, बताओ किससे रिलेशन है, सुनहरी क्रांति का, गोल्डन रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे है। शैलेश भगोरे जी आपका भी रॉन्ग है, जूट रेवोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल। यहां पर आंसर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कारण आपको पूछा है गोल्डन रेवोल्यूशन, किसका पूछा है, गोल्डन रेवोल्यूशन। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब सरल क्वेश्चन आते हैं ना तो हम लोग जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। पुराने वीडियो देखोगे तो मैंने दोनों को अलग अलग समझा रखा है, गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन क्या है, दोनों अलग चीजें हैं। तो यहां आप कंफ्यूज हो गए, गोल्डन रेवोल्यूशन जो होता है इसका संबंध होता है हॉर्टिकल्चर प्लस शहद उत्पादन, क्लियर, ये ध्यान रखना। गोल्डन रेवोल्यूशन का सही आंसर है क्या है, तो गोल्डन रेवोल्यूशन का सही आंसर है उद्यान शास्त्र का उत्पादन बढ़ाना, साथ ही साथ शहद का उत्पादन भी बढ़ाना, तब हम इसको कहते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। लेकिन यहां ये आंसर नहीं है, तो अब क्या होगा, यहां पर अब आपका जो आंसर आएगा पहला वाला, इनमें से कोई नहीं। आप फटाफट स्पीड से दौड़े, कैसे दौड़े कि फटाफट गोल्डन वर्ड आ गया तो जूट पे पहुंच जाओ, लेकिन ये गलत है। यहां अगर गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन आता या सुनहरी रेशा क्रांति अगर लिखा होता तो आपका आंसर ये डी वाला सही था। समझ में आया ना, ध्यान रखना। एग प्रोडक्शन तो आप सभी को पता है, सिल्वर रेवोल्यूशन है, रजत क्रांति। फिर आपका ऑयल सीड प्रोडक्शन, ये आप सभी को पता भी है, येलो रेवोल्यूशन है जिसको पीत क्रांति कहा जाता है। और जूट प्रोडक्शन या जूट का उत्पादन, ये है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन से। एक बार फिर समझा रहा हूं, हाँ रितेश जी आ गए लपेटे में, बिल्कुल कई लोग आ गए लपेटे में क्वेश्चन में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये कम से कम आपको कंफ्यूजन अगर था तो क्लियर हो गया है, ये बड़ी चीज है। गलत आंसर दो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम गलत देने के बाद आप उस चीज को क्लियर कर लो फटाफट। अब क्लियर हो गया तो नेक्स्ट टाइम आप कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जब भी इजी क्वेश्चन आता है ना, जल्दी हड़बड़ाहट में जो है ना, बिल्कुल आप बैठ जाते हो, फिर गलत कर देते हो। मैं बार बार हमेशा समझाता हूं कि जब भी सरल क्वेश्चन आए आपको जो याद रहे, तो ऐसे क्वेश्चन को दो बार पढ़ो और ज्यादा बारीकी से पढ़ो। कम से कम सरल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जो टफ है नहीं याद है वो गलत होगा, तो उसकी तो संभावना है गलत होने की, लेकिन जो सरल है वो गलत नहीं होना चाहिए, उसके नंबर आपके नहीं जाना चाहिए। चलो ठीक है, तो देखते हैं हम यहां पर, देखो भैया ये येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है और सेम पित्रोदा इसके जनक है, फादर है। और ये आपका जो है गोल्डन रेवोल्यूशन, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, तो इसका मतलब ये देखो, ये सब्जी भाजी सब दिख रहा है, फल फ्रूट सब्जी भाजी फूल,
टोटल उद्यान शास्त्र और ये हनी दिख रहा है, शहद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मन की आंखों से देखो भैया, मन की आंखों से जल्दी दिख जाता है, क्लियर। तो ये हनी और ये हॉर्टिकल्चर। हाँ रितेश जी, हाँ आपका सही था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सही था तो बिल्कुल, मैंने आप बोला ना कुछ लोगों ने गलत किया है, सभी ने थोड़ी, चलो ठीक। और इसका भी ध्यान रखना, गोल्डन रेवोल्यूशन के जो फादर है निरपक तुताज, या कहीं पर ये तुतेज भी लिखा होगा, एक ही बात है। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मैं फिजिक्स में आ गया, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द बॉल बेयरिंग यूज्ड इन बाइसिकल्स, साइकिल में उपयोग की जाने वाली गोली धारुक बॉल बेयरिंग के पीछे क्या सिद्धांत है, क्यों लगाया जाता है बॉल बेयरिंग। आप सभी को पता है भैया, साइकिल चलाते हो, साइकिल में आपने देखा है बेयरिंग लगा होता है, तो वो कौन से प्रिंसिपल पे यूज किया जाता है। चार आंसर आपके पास है, चार में से आपको करेक्ट आंसर, बिल्कुल रितेश जी अब आपने बदल दिया ना, ऐसे बी पे आ गए, बिल्कुल बी वाला आंसर करेक्ट है, जिन्होंने भी बी वाला आंसर दिया है ना वो करेक्ट है। स्नेहक घर्षण को कम करते हैं, तो स्नेहक, यहाँ स्नेहक कहाँ है भैया, आप तो बेयरिंग की बात कर रहे हो, आप किसी लुब्रिकेंट या किसी स्नेहक की तो बात ही नहीं की है यहाँ पे। आपने साइकिल में जो एक्सल होता है, एक्सल पे दोनों साइड वो कटोरियां लगी होती, उसमें छर्रे लगे होते हैं, बॉल बेयरिंग, वो बेयरिंग क्यों लगाया, तो वो बेयरिंग जो लगाया है वो आपने क्या किया, छर्रा जब साइकिल चलती है तो कटोरी के अंदर जो एक्सल के अंदर जो छर्रे होते हैं वो गोल गोल घूमते हैं, अपनी धुरी पर गोल गोल घूमते, पहिए में भी घूमते हैं। तो ये क्या किया आपने, आप सभी को पता है भैया घर्षण जो होता है वो चार तीन प्रकार का होता है, एक होता है सीमांत घर्षण, क्लियर, दूसरा स्थैतिक घर्षण, और तीसरा जो होता है वो होता है गतिज घर्षण। तीन प्रकार के फ्रिक्शन या घर्षण होते हैं, क्लियर। तो यहां पर अगर देखो तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, तीन प्रकार के होते हैं। यहां पर अगर गतिज में देखो ना तो गतिज में दो होते हैं, एक होता है सर्पी और दूसरा जो होता है वो होता है बेलन। अच्छा सोचो क्या हो अगर कार के चारों टायर निकाल के अगर उसको चलाया जाए तो फिर वो सर्पी रहेगी। तो सर्पी मतलब सांप जैसा दोनों सतह, जो दोनों सतह है उन दोनों सतह का रगड़ कर चलना, वो होता है सर्पी। और बेलन क्या होता है, तो जब वस्तु गति करती है तो आपने सर्पी घर्षण के नीचे क्या लगा दिया, कोई गोल टायर या ट्यूब या पहिया लगा दिया, तो आपने क्या किया, आपने सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में बदल दिया। तो अगर आप पहिए लगा दोगे ना तो घर्षण कम हो जाएगा, घर्षण कम होने से वस्तु की गति बढ़ जाएगी। तो आप वही कर रहे हो साइकिल के अंदर, जो बॉल बेयरिंग आप उपयोग कर रहे हो, ये बॉल बेयरिंग क्या कर रहा है, जो बेलन घर्षण है किस सिद्धांत पर लगाया आपने बॉल बेयरिंग, तो जो बेलन घर्षण होता है वो सर्पी घर्षण से कम होता है। तो आपने वही तो किया, सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में बदला है, किसका उपयोग करके, बेयरिंग का उपयोग करके। यहां लुब्रिकेंट की तो बात ही नहीं हुई क्वेश्चन में, हाँ ये बात जरूर है कि लुब्रिकेंट या स्नेहक घर्षण को कम करते हैं, लेकिन आपने यहां किसी भी लुब्रिकेंट की बात नहीं की, यहां सिद्धांत पूछा है कि आपने साइकिल में बॉल बेयरिंग क्यों लगाया, कौन से प्रिंसिपल का फॉलो करने के लिए। हाँ भैया पीएटी में क्यों नहीं काम आएगा, घर्षण नहीं है आपको, घर्षण या फ्रिक्शन है ना आपको, ध्यान रखना सभी एग्जाम्स में काम में आएगा। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल कैन बी रेज्ड बाय एडिंग, अम्लीय मिट्टी का पीएच खालिस्थान मिलाकर बढ़ाया जा सकता है, बताओ क्या होना चाहिए आंसर। बोला है राजपूत जी लाइम, बिल्कुल ये तो रटा पड़ा है भैया आपको, पीएच को बढ़ाना है, क्या करना है, पीएच अगर बढ़ाना है, आप सभी को पता है भैया जीरो से सात तक अम्लीय होता है, क्लियर। अगर आपको सात या सात से ऊपर जाना है, मतलब पीएच वैल्यू बढ़ाना है किसकी, एसिडिक सॉइल की, तो आप उसमें क्या डालोगे, चूना डालोगे, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। चूना अलग अलग प्रकार का होता है, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। हाँ बिल्कुल राहुल जाधव जी, एस वाला आंसर यहाँ कहीं नहीं है भैया, ए वाला जरूर है। तो
तो ए वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। आप पुराने अगर वीडियो मेरे देखेंगे तो उसमें आपको एसिडिक सॉइल, बेसिक सॉइल, एल्केलाइन, सेलाइन, सब टोटल सॉइल्स के बारे में आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन ए मोलेक्युलर ऑफ स्टेरिन विथ मोलेक्युलर फॉर्मूला सी एट एच। चलो ये मैं ही बता देता हूँ, आप लोग दे नहीं पाओगे आंसर, फिर भी ध्यान रखना। राजपूत जी ने दिया है डी वाला आंसर। ये जो आपका है ये बेंजीन का व्युत्पन्न है। बेंजीन आप सभी को पता है भैया, जिसका फार्मूला होता है C6H6, और बेंजीन जो होता है वो रिंग या वलय वाला होता है। तो यहाँ आपके कार्बन कितने हैं, 8, तो 6 कार्बन तो भैया आपके ये रिंग में आ जाएंगे, क्लियर। और फिर अगर देखो तो बचे कितने हैं आपके पास, 2 कार्बन, तो एक कार्बन ये है और एक कार्बन मैं ऊपर बना देता हूं यहां, क्लियर। इस जो आपका स्टेरीन होता है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। अब हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, तो हैं 8, तो आप सभी को एक एक हाइड्रोजन दे दोगे, यहां पर भी दे दिया यहां पर, तो इसको एक दे देंगे और ये 2, क्लियर। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो कार्बन है इसकी चारों संयोजकता कंप्लीट हो रही है क्या, नहीं हो रही है। इस कार्बन कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 3 ही हो रही, तो एक हम लगा देंगे डबल बॉन्ड, क्लियर। फिर इस कार्बन की चारों संयोजकता कंप्लीट हो रही है, डबल बॉन्ड की 2 और 2 सिंगल बॉन्ड की 4 हो गई। इस कार्बन की अगर देखो तो 3 ही हो रही, तो एक लगा देंगे डबल बॉन्ड। फिर आगे अगर हम चले तो एक छोड़ के डबल बॉन्ड होता है, आप सभी को पता है बेंजीन में। फिर अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पर आप अगर देखोगे तो ये अंदर ये कार्बन की तो सभी संयोजकताएं पूरी हो गई, लेकिन इस कार्बन में अगर देखो तो 3 ही संयोजकता पूरी हो रही है, एक बची है, तो यहां लगा देंगे डबल बॉन्ड। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर कार्बन की सभी संयोजकताएं आपको कंप्लीटली फुल मिलती है। तो इस स्थिति में अगर आप देखोगे तो पेयर कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो जो भी डबल बॉन्ड होता है वहां पर कौन सा बंद होता है, वहां पर जो बनता है वो बनता है कौन सा बंद, तो वो आपका बनेगा 3, एक डबल बॉन्ड यहां भी बनेगा, क्लियर। क्योंकि इसकी संयोजकता भी कितनी हो रही है, इसकी भी 3 ही है, तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड को गिन लो, डबल बॉन्ड के अंदर जो होता है एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहां देखो एक डबल बॉन्ड है, 2, 3, 4 और ये 5, 5 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो 5 डबल बॉन्ड है मतलब इसमें 5 जोड़े जो है वो पाई बंध में क्या है, वो मौजूद होते हैं। 5 पाई बंध बन रहे हैं यहां पर, कितने, 5 पाई बंध बन रहे हैं, और एक पाई बंध में इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा होता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन के पाई बंध में कितने जोड़े आएंगे, 5 जोड़े आपको मिलेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। तो जिन्होंने भी सी वाला आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। हाँ ध्यान रखना भैया, थोड़ा सा केमिस्ट्री का है, आपको इसको समझने से पहले कार्बन की संयोजकता को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, फिर ससंयोजी बंध को पढ़ना पड़ेगा, फिर एकल, डबल और ट्रिपल ससंयोजी बंध को भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये क्लियर होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मैक्सिमम टीएसएस कंटेंट इन टोमेटो सॉस इज, टमाटर सॉस में न्यूनतम टीएसएस सामग्री होती है, बताओ आप लोग फटाफट क्या होना चाहिए, 65, 28, 25 और 68, बताओ कितना होना चाहिए टोमेटो सॉस में। प्रजापत जी बोल रहे हैं सी वाला आंसर, बताते जाओ भैया अपने अपने आंसर। हाँ राजपूत जी ने सी बोला है, कुशवा जी बताते जाओ, त्रिपाठी जी सी, राजपूत जी सी, प्रजापत जी भी सी बोल रहे हैं। हाँ बाकी लोग भी अपना आंसर दो भैया। कुशवा जी इन्होंने बी बोला है,
देखते हैं यहाँ पर जो सॉस और सॉस की बात हो रही है, आप सभी ने सॉस खाया होगा। ये थोड़ा जो पतला होता है टमाटर का, हल्का पतला जो होता है वो सॉस होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है वो केचप होता है, बस इतना अंतर है। बनाने का मेथड वेथड सब सेम होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो सी, सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर होता है। TSS में टोटल सोल्यूबल सॉलिड जो होता है किसमें, टमाटर सॉस के अंदर, वो होता है 25%। लेकिन अगर केचप में पूछता तो केचप में ये कितना होता है, 28%। क्लियर। और ये आप सभी को पता है भैया, ये TSS किसका है, तो ये आपका है जेली का, जेली में होता है 65% TSS। और जेम में भी आपको पता है, जेम में कितना होता है, तो जेम में भी आपको पता है 68% है। तो ये दोनों का ध्यान रखना, सॉस में 25% और केचप में 28%। और इसकी जो चटनी होती है उस चटनी में ये होता है कितना, तो चटनी के अंदर होता है 30% TSS, कितना 30%। जो टमाटर की चटनी होती है, अगर चटनी आ जाए तो चटनी में कितना होता है, 30% TSS होता है टमाटर की चटनी में। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन। हाँ, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट आंसर दो, इसके बाद आपसे अलविदा लेते हैं। फटाफट बताओ भैया क्या होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन है, इन कैटल्स फुल सेट ऑफ टेम्पररी इंसिजर्स अपीयर एट द एज ऑफ, मवेशियों में अस्थाई कृतंक दांतों का पूरा सेट इस उम्र में दिखाई देता है। फटाफट बताओ, लास्ट क्वेश्चन है आपका। राजपूत जी ने बोला है ए। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता देता हूं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहां मुकाति जी आपका आंसर थोड़ा गड़बड़ हो गया, आपको बोला है टेम्परेरी, तो टेम्परेरी जो है ये सभी के सभी जो चारों जोड़ी कृतंक दांत जो टेम्परेरी होते हैं वो 2 साल की उम्र में निकल आते हैं। तो यहां पर आपका ये करेक्ट आंसर। हाँ, अगर यहां परमानेंट बोलते तो आंसर आता 5 साल। आया ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट लेक्चर में कल वही 8:30 बजे, तब तक के लिए आप व्यस्त रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, खुश रहो, और जय हिंद।